नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। रक्षाबंधन का त्योहार है, हर भाई की कलाई पर बहन का प्यार सजने वाला है। लेकिन सावन की पूर्णिमा के इस दिन बहन किस शुभ मुहूर्त में भाइयों को राखी बांधकर अनमोल वरदान पा सकती हैं? कौन से उपाय करके सारे दोषों से मुक्ति पा सकती हैं? जी हाँ, राशि अनुसार किस रंग की राखी लगाएगी खुशहाली, कौन सी मिठाई रिश्तों में घोलेगी जिंदगी भर की मिठास, ये सब बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं और साथ ही वाई राखी जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन के इस त्योहार पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं, किस शुभ मुहूर्त में बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए? देखिये, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और शास्त्र यही कहता है कि जो भी कार्य शुभ समय में किया जाता है उसका परिणाम भी शुभ ही होता है। तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में स्थिर लग्न में राखी बांधने का विधान है। यदि आप स्थिर लग्न में राखी बांधते हैं तो रिश्तों में, संबंधों में स्थिरता आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, ये चार ज्योतिष में स्थिर लग्न बतलाए गए हैं। तो देखिए, सबसे बात आपको ये समझना जरूरी है कि इस वर्ष प्रातःकाल 6:15 तक भद्रा है और भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा, ये मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में दो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, एक तो रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए और एक होलिका दहन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल 6:15 में भद्रा समाप्त हो जाएगी और इससे पहले सिंह लग्न आरंभ हो रही है। तो जो काम में जाने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि 6:16 से लेकर के और 7:58 तक प्रातःकाल सिंह लग्न में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाई को, बहुत मंगलकारी रहेगा। इसके बाद वृश्चिक लग्न है, 12:38 से लेकर के और 3:58 तक, ये ध्यान रखना है, 3:58 तक यह वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न है। इस समय में रक्षाबंधन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो कामकाजी हैं, जो दिन में सुबह से नौकरी करने के लिए गए हैं, उनको चाहिए कि उस सायंकाल में एक लग्न आरंभ हो रहा है 6:44 में, यह कुंभ लग्न है, 6:44 से लेकर के 8:08 तक सायंकाल का जो गोधूली समय है, इस समय में रक्षाबंधन करना बेहद लाभकारी है। और जो बहनें अपने भाई को इस समय में रक्षाबंधन करेंगी वह निश्चित रूप से पूरा वर्ष उनका सुखमय व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि भाई आपने वक्त बता दिया, अब बहने जब भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे तो मंत्र कौन सा पढ़े, कौन सा मंत्र जो है जो उनकी भाई की लंबी उम्र करे और सुख समृद्धि भाई की जिंदगी में आए जी। तो देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि मन्नात्रायते इति मंत्रः, मन ही मन में जो उच्चारण करने से मनुष्य के संकट को दूर कर देता है उसे मंत्र कहते हैं। तो रक्षाबंधन के लिए हमारे शास्त्रों में कर्म कांड में मंत्र दिया हुआ है, एन बध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामी रक्षे मांचल मांचल। यह ऐसा मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करने से और वह एक वर्ष तक पूरा अपने भाई की रक्षा, बहन का जो है रक्षा सूत्र बांध देती है और बहन कि रक्षा करने का वचन भाई उसको देता है कि बहन मैं तुम्हारी इस रक्षाबंधन के बदले में तुम्हारी एक वर्ष तक पूरी रक्षा करूंगा। देखिए, इसका हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। देखने में तो एक साधारण धागा सा लगता है लेकिन इसमें शक्ति बहुत निहित है। शकुंतला ने, यदि अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े, शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को रक्षाबंधन किया, देवराज इंद्र की पत्नी शची ने देवासुर संग्राम के समय अपने पति देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र किया और भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने जय शिशुपाल वध के समय और अपनी साड़ी को फाड़ करके जिस प्रकार उनके और सुदर्शन चक्र के माध्यम से जो रक्त प्रवाहित हो रहा था,
वहाँ पर बांध दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक एक धागे के बदले मैं तुम्हारी जो है चीरहरण के समय रक्षा